जादुई कंगन। गांव में मेला लगा हुआ था। हर साल दिसंबर के महीने में गांव में मेला लगता था। उस मेले में पूरा गांव जमकर खरीदी किया करता था और मेले में हर एक दिन बहुत भीड़ हुआ करती थी। शशि को मेले में जाना बहुत पसंद था और वह सुबह से तैयार बैठी थी कि कब शाम होगी और वो अपने माता पिता के साथ शाम को मेले में जाएगी। जैसे ही शशि घड़ी की ओर देखती है, घड़ी में 5 बज गए होते हैं। वो तुरंत अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ चलो ना मेले में, शाम के 5 बज गए हैं, अब तो मेले में चलो। बेटी तुम सुबह से ये बात 10 बार बोल चुकी हो, तुम्हारे पापा को तो आने दो, फिर चलेंगे सारे साथ में। थोड़ी देर में शशि के पापा भी घर आ जाते हैं। फिर शशि फिर से रट लगा लेती है मेले में जाने की। पापा पापा अब जल्दी से अब तैयार हो जाओ वरना मेला बंद हो जाएगा। हाँ बेटा, मुझे याद है कि आज तुम्हें मेला देखने जाना है, इसलिए देखो आज मैं जल्दी आ गया। थोड़ी ही देर में तीनों मेले में पहुँच जाते हैं और शशि भी मेले में खूब जमकर खरीदारी करती है। शशि मेले में से कपड़े, खिलौने, कंगन, बिंदी और गुड़िया और भी कुछ बहुत सारे खिलौने खरीदती है। बेटा अब बहुत रात हो चुकी है, चलो अब घर चलते हैं। हाँ पापा, अब मैं भी बहुत थक गई हूँ। तीनों घर आ जाते हैं। घर आकर शशि को याद आता है कि उसने मेले से जो कंगन खरीदे हैं, उसने तो वो पहनकर देखे ही नहीं। मुझे एक बार वो कंगन पहनकर देखना चाहिए कि वो मुझे आ रहे हैं या नहीं। वे तुरंत उन दोनों कंगनों को निकालती है और अपने हाथों में पहन लेती है। कंगन बिल्कुल सही उसके हाथों में आ जाते हैं और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वैसे ही तुरंत कंगन उतारने लगती है। तभी उसकी माँ पीछे से बोलती है, अरे बेटा ये कंगन अब तुम पहने रखो, क्योंकि बाद में ये कंगन तुम्हें छोटे हो जाएंगे और तुम पहन भी नहीं पाओगी। ठीक है माँ, मैं ये कंगन रोज पहन कर रखूंगी। तीनों फिर खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। लेकिन ये क्या, शशि जिस भी चीज को हाथ लगा रही थी वो सोने की हो रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। शशि ने खाना खाने के लिए अपनी रोटी पर हाथ लगाया और वो रोटी भी सोने की बन गई। और ये देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या हो गया। शशि के पापा रोटी को अपने हाथ में उठाकर देखते हैं। अरे ये तो सोने की रोटी हो गई, ये कैसे हो गया। तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर से सभी खाना शुरू करते हैं, लेकिन शशि अब भी जिस भी चीज को हाथ लगा रही थी वो हर एक चीज सोने में बदल रही थी। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में शशि की माँ ये बात समझ जाती है कि ये सब कंगन की वजह से हो रहा है। तभी उसकी माँ बोलती है, शशि बेटा जरा अपने कंगन तो निकालना। शशि तुरंत अपने कंगन निकालकर अपनी माँ को दे देती है और खाना खाने बैठ जाती है। इस बार खाना उसका सोने में नहीं बदलता। तभी तीनों समझ जाते हैं कि वो कंगन कोई मामूली कंगन नहीं बल्कि कोई जादुई कंगन है। बेटा शशि, स्कूल में किसी को भी ये बात मत बताना कि तुम्हारे पास जादुई कंगन है, समझ गई तुम। ठीक है माँ, स्कूल में भी और आस पड़ोस में भी किसी को भी मैं ये बात नहीं बताऊंगी। शशि के माता पिता और शशि बहुत ही सीधे साधे लोग थे। वो अपने जादुई कंगन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए ही करते थे। कुछ दिनों बाद ही शशि के मामा मामी उनके घर आते हैं। लगता है जीजा जी का काम कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है, घर की तो दशा ही बदल गई है। हाँ मामा जी, मेरे पिताजी दिन भर मेहनत करते हैं। शशि की मामी बहुत चालाक थी और उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मेहनत से इतना पैसा कमाया जा सकता है। वो रिश्तेदार की तरह घर में आती है और छुप छुप कर शशि और उसके माता पिता की बातें सुनती रहती है। और फिर एक दिन शशि की मामी को इस राज के बारे में पता चल ही जाता है। और फिर उस दिन के अगली सुबह, चलो दीदी आज हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। अरे तुम लोग अभी कुछ दिन पहले ही तो आए हो और इतनी जल्दी जाना है। अरे दीदी मैं तो इसे मना कर रहा हूँ पर यह तो मानी नहीं रही। सब रोकते हैं पर मामी नहीं मानती, वो वहाँ से चली जाती है और मामा जी भी चले जाते हैं। शाम को तीनों खाना खाने बैठते हैं और फिर उसके बाद सोने जाते हैं। तभी उसकी माँ शशि को बोलती है, शशि बेटा एक बार कंगन देख लो सही सलामत है या नहीं। ठीक है माँ।
शशि अपनी अलमारी में कंगन देखने जाती है, पर ये क्या, उसे तो कंगन कहीं दिखाई नहीं देते। माँ माँ जल्दी आओ, कंगन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे कंगन कहाँ चले गए, मैंने तो यही तुम्हारी अलमारी में संभाल कर रखे थे। दोनों की आवाज़ सुनकर पापा भी वहाँ आ जाते हैं और तीनों मिलकर पूरे घर में कंगन ढूंढते हैं, लेकिन कंगन कहीं भी नहीं मिलते। पर माँ को ये बात समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि ये कंगन कहाँ गए हैं। रहने दो शशि, कंगन मत ढूंढो, क्योंकि मुझे पता है कंगन कहाँ है। कहाँ है माँ, बताओ ना। बेटा वो कंगन घर में नहीं है, वो कंगन तुम्हारी मामी चुरा कर ले गई है। मुझे कंगन वापस चाहिए माँ, आप मामी से वो कंगन वापस मंगवाइए ना। शशि की माँ अपने भाई को फोन लगाती है और कंगन के बारे में पूछती है और वो गुस्से में कहती है, भाई साहब वो कंगन मुझे वापस चाहिए। लेकिन मामा मामी मानते ही नहीं कि कंगन उनके पास है। थक हार कर शशि की माँ और पापा कंगन के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और यहाँ लालची मामी कंगन से बहुत सारा सोना बना लेती है और बहुत ऐशो आराम से जीने लगती है। एक दिन मामी कंगन उतारना भूल ही जाती है और कंगन पहने हुए ही वो अपने बेटे को छू लेती है, और ये क्या, बेटे को छूते ही उसका बेटा सोने का बन जाता है। अब वो बहुत रोती है, बहुत कोशिश करती है कि उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। अब वो कंगन लेकर शशि के घर जाती है और रोते हुए बोलती है, दीदी आप ये कंगन वापस ले लो, लेकिन मेरा बेटा पहले जैसा कर दो। ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तुम्हें ये लालच करने से पहले सोचना चाहिए था, इतना लालच ठीक नहीं है, ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। शशि की माँ को शशि के जादुई कंगन वापस मिल जाते हैं और अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय दोस्तों। मोतीपुर नामक गांव में शिखा अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके मामा मामी की एक बेटी भी थी जिसका नाम अनन्या था। शिखा के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। शिखा दिखने में बहुत सावली थी लेकिन दिल की बहुत साफ थी। वहीं दूसरी तरफ अनन्या दिखने में बहुत खूबसूरत थी लेकिन वो बहुत ही घमंडी और बिगड़ैल लड़की थी। एक दिन अनन्या और उसकी माँ किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी वहाँ शिखा आ जाती है और कहती है, मामी मैं भी आपके साथ पार्टी में चलूंगी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है पार्टी में जाने का। अरे मम्मी, ये पार्टी में आई हमारे साथ तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, अगर सबको पता चल गया कि ये काली कलोटी बदसूरत दिखने वाली मेरी बहन है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अनन्या बेटी ऐसा नहीं कहते, वो भी मेरी बेटी है, सावला होना कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारे पापा भी तो सावले ही है ना। पापा की बात अलग है मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। अनन्या अब तुम बस भी करो, शिखा बेटा तुम जाकर तैयार हो जाओ, ये लो ये वाली ड्रेस पहन लेना। अनन्या बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सब पार्टी में पहुँच जाते हैं। अनन्या के दोस्त शिखा के बारे में पूछते हैं, अरे अनन्या ये लड़की कौन है? ये शिखा है, ये हमारे घर की नौकरानी है। नौकरानी? मम्मी पापा ने इस पर तरस खाकर इसे पार्टी में ले आए हैं, बस मेरी महंगी वाली ड्रेस पहनाकर। ऐसा कहकर अनन्या जोर जोर से हंसने लगती है। अनन्या अपने दोस्तों के साथ मिलकर शिखा का मजाक उड़ाती है। ये सब देख सुनकर शिखा बहुत उदास हो जाती है और पार्टी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। एक दिन अनन्या स्कूटी पर बैठकर अपने दोस्तों के घर जा रही होती है, तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसकी स्कूटी से टकराकर गिर जाता है। उस बूढ़े आदमी को चोट लग जाती है। ए बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे है मेरी स्कूटी से टकराने की? हाँ तुझे देखकर तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया, और ऊपर से मेरी स्कूटी पर तेरे गंदे कपड़ों का मेल भी लग गया है। लेकिन मैं तो यहाँ कब से खड़ा हूँ, तुम ही तो यहाँ आई थी, तुम साइड से भी जा सकती थी बेटी। ज्यादा जुबान मत चला, मेरा दोस्त एक गुंडा है, उसे कहकर तेरे टांगे तुड़वा दूंगी।
इस तरह अनन्या उस बूढ़े आदमी को धक्का मारकर वहां से चली जाती है। बूढ़े आदमी को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तभी वहां से शिखा गुजर रही होती है। शिखा बूढ़े आदमी को देखकर वहां आती है। अरे काका, आपको तो बहुत चोट लगी है, आइए मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं नहीं बेटी, यहीं पास में मेरी कुटिया है, तुम बस मुझे वहीं छोड़ दो। मेरी अंधी बेटी बहुत भूखी है, मुझे उसे खाना खिलाना है। लेकिन काका, आपका आधा खाना तो जमीन पर गिर गया है, अब आप कैसे अपनी बेटी को खिलाएंगे और आप क्या खाएंगे? कोई बात नहीं बेटी, मैं भूखा ही सो जाऊंगा, आधा जो बचा है वह मेरी बेटी खा लेगी। शिखा उस बूढ़े आदमी को उसके कुटिया तक छोड़ आती है। लेकिन उस बूढ़े आदमी के घर की हालत को देखकर शिखा को बहुत दुख होता है। शिखा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बाहर आकर जोर जोर से रोने लगती है। आसमान से सौम्य परी ये सब देख रही होती है। वो परी बुरे लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने वाली परी थी। सौम्य परी समझ जाती है कि अनन्या एक बहुत घमंडी और बिगड़ैल लड़की है, और वहीं दूसरी तरफ शिखा एक बहुत अच्छी और सरल स्वभाव की लड़की है। सौम्य परी शिखा के पास आती है और कहती है, सुनो शिखा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। बताओ कि मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूँ? ये सुनकर शिखा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, परी जी, मेरी इच्छा ये है कि उस बूढ़े काका की बेटी की आंखों की रोशनी फिर से आ जाए और ये बूढ़े काका बहुत अमीर हो जाए, इन्हें खाने की कभी कोई दिक्कत ना हो। शिखा के ऐसा कहते ही उस बूढ़े आदमी की बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, साथ ही बहुत ही ज्यादा अमीर भी हो जाते हैं। शिखा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, अगर तुम चाहती तो तुम अपने लिए और अपने सांवले रंग के लिए कुछ मांग सकती थी, लेकिन तुमने निस्वार्थ होकर दूसरों का भला चाहा, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई घास देती हूँ। इसे जब तुम पीसकर अपने चेहरे पर लगाओगी तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी। साथ ही इस घास पर तुम्हें रोज सुबह एक सोने का सिक्का मिलेगा। शिखा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और परी का शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन अनन्या ये सब कुछ पेड़ के पीछे छुपकर देख रही होती है। अनन्या शिखा के पीछे घर जाती है। सौम्या परी को पता था कि अनन्या ये सब कुछ देख रही है। अब आएगा मजा, अब अनन्या को मिलेगी सजा। शिखा घर जाते ही घास को पीसकर अपने चेहरे पर लगाने लगती है। घास का पिसा हुआ लेप शिखा अपने चेहरे पर जैसे ही लगाती है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या परी, अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा और अब अनन्या भी मुझे अपनी बहन मानेगी। अनन्या छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है। जैसे ही शिखा अपने कमरे से बाहर जाती है, अनन्या उस जादुई घास को चुरा लेती है, अपने कमरे में ले जाकर उसे पीसकर अपने चेहरे पर लगाने लगती है। अनन्या उसे लगाते ही कोयले की तरह काली हो जाती है। ये देखकर अनन्या चीख पड़ती है और रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर अनन्या के मम्मी पापा और शिखा वहाँ आ जाते हैं। देखो मम्मी, मैं कितनी काली हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँगी, लोग तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। बेटा, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, अब तुम्हें ही इसे भुगतना होगा, इसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते, तुमने चोरी की है और चोरी करना बुरी बात है। इतना कहकर अनन्या के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं। अनन्या दुखी होकर रोने लगती है। तभी शिखा अनन्या को संभालती है। तुम चिंता मत करो बहन, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगले दिन जब अनन्या अपने कॉलेज जाती है तो उसके सारे फ्रेंड उसका बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं। अनन्या जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ शिखा आ जाती है। शिखा उन सब से लड़ने लगती है। तुम सब मेरी बहन का मजाक उड़ाना बंद करो, सांवला होना कोई बुरी बात नहीं है, इंसान अपने गुणों से पहचाना जाता है, ना कि रंग रूप से। चलो अब निकलो यहाँ से। ये सुनकर अनन्या मन ही मन में कहती है, अरे मैं तो हमेशा शिखा का मजाक उड़ाती रहती थी,
उसे अपने बहन मानने से भी इनकार करती थी, लेकिन ये तो मेरे लिए लड़ रही है। अनन्या शिखा से फिर माफी मांगने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो शिखा, मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा और तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुम तो हमेशा मेरा अच्छा ही चाहती हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अनन्या के इतना कहते ही सौम्या परी वहां आ जाती है और कहती है, अनन्या तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से पहले जैसा बना रही हूँ, पर याद रखना इंसान की पहचान उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उनके गुणों से होती है। सौम्या परी फिर से अनन्या को पहले जैसा बनाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अनन्या हमेशा के लिए एक नेक और अच्छी लड़की बन जाती है। फिर शिखा और अनन्या एक दूसरे के साथ सगी बहनों की तरह प्यार से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर ले, ताकि आपको ऐसी और नई मज़ेदार कहानी देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।